هو إذ اللفظ هو الرحمن هو المنان لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد المسنجى إلى الله سبحانه सिर्फ सोचेगा तो फिक्र करेगा तो इलाही के लिए। किसी काम को अंजाम देने के लिए फिक्र करेगा वो दिमाग तो वो, वो, वो गुफ्त होगी वो अमल इलाही होगा। जी सवाल है जिमे जो ख्याल जिम्मे जी, जी। बंदा अगर रोजे दीक है ना कहीं कहीं मतलब ख्याल बाद उनने ख्याल असर सारे रोजेदे कहना संत बहरा ये अच्छा सवाल है मैं आपको इसकी तोजी इसके जवाब में आपको यह बताऊं बहाजत फरमाते इंसान के दो नफ्स हैं एक नफ्स अब मारा है एक नफ् वो तुम आइना ठीक है वो जो है वो भी इंसान का अपना तख्लीक करदा है अल्लाह कहते हैं कि मैंने जब आपको हुक्म दिया कि एतआत खुदा करो एत रसूल करो और एत आतेमर करो तो उसे मुराद यह है कि अपने नफ्स को महफूज रखो अपने नफ्स को नफ्स अम्बारा को शैतानियत के उस झांसे से महफूज रखो और नफ्स मतम से रज़ाए खुदा को हासिल करो ठीक है एक चीज ये हो गई अब ये है कि जो ख्याल हैं असल वो आते क्यों हैं चूंकि जो आपका सवाल है वो आगे वाली गुफ्तु में शायद मुमकिन है रोशन हो जाता लेकिन बहरहाल चूंकि आपने कर भी दिया तो वो भी बहुत अच्छा है ठीक है जी इस सवाल का जवाब भी उसी बहस के अगले हिस्से में ये आगे आ जाता है तो मौला ने कहा कि अपने दिल को पाकिजा करो ताकि वो आपके दिमाग के ख्याल को ना आ, दे जहन में वो दिमाग में वो ख्याल ना आए ठीक है जब दिमाग में नहीं आएंगे तो गुफ्तगु भी अच्छी होगी फिक्र भी अच्छी होगी सोच भी अच्छी होगी अमल भी अच्छा होगा वो सारी चीजें मजबूत हैं इन तमाम चीजों से ठीक है एक चीज ये होगी अब अब कहा कि मौला ठीक है मैं ये सारी चीजें कर लेता हूं उसके बावजूद भी अगर मेरे ऊपर जो है वो ख्याल हावी हो जाते हैं तो मैं क्या करूं तो मौला फरमाते हैं उसकी वजह यह है मासुमी सलाम और मुफसरीन ने मुफसल तफसील की है और तफसील से इसको लिखा है फरमाते हैं कि जैसे अभी माह रमजान है जैसे आगा साहब ने सवाल भी किया है मसलन अब अब फरमाया जाता है कि माह रमजान में शैतान को कैद कर दिया जाता है यही सुना है ना शैतान को कैद कैद कर काईद दिया, दिया जाता है उसके बावजूद भी इंसान गुनाह क्यों करता है माह रमजान में चोरियां क्यों होती हैं माह रमजान में किसी के ऊपर भोतान क्यों लगाया जाता है माह रमजान में किसी के ऊपर झूठ क्यों बोला जाता है माह रमजान में किसी के साथ जना क्यों होता है माह रमजान में किसी गरीब के ऊपर जुल्म क्यों होता है माह रमजान में किसी नादार और मुफरस की मदद क्यों नहीं की जाती है वजह तो यहाँ पे आयतल बहाजत फरमाते हैं और आयतुल्ला मकारम की किताब जो है वो उसमें मकारम अखलाक नाम से किताब है जो उसमें उसमें नौजवानों के अखलाक से और नौजवानों से गुफ्तगु फरमाए वहाँ फरमाते हैं कि इसकी असल असल जो वजह है वो ये है कि माह रमजान से पहले हम शैतान की शैतानियत के चुनगुल में और उसके वसबसे में और उसके अहकाम की इतात कर 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 के अपने आप में और अपने जिसम के अंदर और अपने आमाल के अंदर इतना बसेरा करने की इजाजत दे चुके होते हैं कि शैतान के चुनगुल से महफूज होकर माह रमजान में शैतान के कैद हो जाने के बाद भी उसके असरात इतना होते हैं कि वो हमारे ऊपर पर जो है वो असर अपना जारी रखते हैं मसलन उसकी मिसाल दी है जैसे कुत्ता है और कुत्ते की अक्सर हमारे दरूस मिसाल है वो ज्यादा चलती रही है तो ये मैं आपको अब इस, इसकी तथबीक चुके है। तो मकान ने की है तो मैं उसको एक जुमले में और आगा के सवाल के जवाब में मैं देना चाहूंगा कि मसलन कुत्ता है कुत्ते को आपने देखा होगा कि जब मालिक उसे खाना खिलाता है रोटी देता है तो आपने देखा होगा कि बाज मालिक कुत्ते से थक कर उसे सहरा में छोड़ आते हैं या उसको किसी आ, आ, किसी चीज में बंद करके या उसकी आंखें बंद करके ताकि वो रास्ता ना देख पाए और आप जानते होंगे ऐसे किया जाता है तो उसको ले जाकर किसी दूर जगह छोड़ के फिर वापस आते अभी उसको छोड़ के आते हैं अभी मालिक घर नहीं पहुंचा होता और कुत्ता पहले, पहले आ जाता है पहले आ जाता है ये आपने मुशाह किया होगा है ना आपके इंडिया में होता है ऐसा नहीं होता है लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसे होता है बास माले के जब कुत्ते से थक जाते हैं उसको छोड़ने जाते हैं माले कभी घर नहीं पहुंचा तो कुत्ता दरवाजे पे पहले बैठा हुआ होता है तो वो वजह क्या है यानी खाना आप उसको खिलाते हैं तो खाना खिलाने के बाद वो अपने माले के...